चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। नहाते टाइम बस 5 मिनट इसे लगाओ, पूरा शरीर इतना गोरा होगा कि दूध भी फीका लगेगा। बॉडी को व्हाइट और ब्राइट करने के लिए आजकल बॉडी पॉलिशिंग बहुत ट्रेंड में है। दुल्हन पार्लर में हजारों रुपए खर्च करके बॉडी को लाइटन कराने के लिए पॉलिशिंग कराती हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं बिना पैसे खर्च किए बॉडी को ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बनाना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बिना पैसे खर्च किए घर पर बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हो। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गाइस फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा। इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन लाइटनिंग के लिए। ये टैनिंग को तो साफ करता ही है, साथ ही आपकी बॉडी पर जमी गंदगी को साफ करने में और टैनिंग को साफ करने में बहुत तेजी से मदद करता है और स्किन को फेयर और ब्राइट भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट किचन इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है 1 टीस्पून शुगर। डेड स्किन को साफ करने के लिए काफी अच्छा होता है शुगर, और इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को स्मूथ और ब्राइट अप कर देता है। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट आपने यूज करना है ऑरेंज पील पाउडर। संतरे के छिलके के पाउडर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपकी बॉडी पर जमी टैनिंग को साफ करती है और स्किन को बहुत स्मूथ लाइटन और वाइटन करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 स्पून आप इसके अंदर डाल दीजिए ये संतरे के छिलके का पाउडर। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल तेल बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा और बॉडी से टैनिंग को भी साफ करने के लिए हेल्प करता है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स करने के लिए आपको यूज करना है कोकोनट मिल्क। यहाँ पर मैं 3 चम्मच इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड कर देती हूँ और उसके बाद आप इसे मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी आपको बस कुछ इस तरह से रखनी है, ना ही ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा इसकी पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको बस ऐसी कंसिस्टेंसी का इसे बनाना है। और उसके बाद आप नहाने से पहले, अगर आप नहाने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी बॉडी पर इसे अप्लाई कीजिए एंड जस्ट आपने मसाज भी करना है। ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं आपकी स्किन से डेड सेल्स को तो साफ करेगी ही और साथ ही डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगी और आपकी टैनिंग को साफ कर स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करेगी। तो आपको अप्लाई करके एकदम से छोड़ना नहीं है, आप अपने फिंगर टिप से इसे अच्छे से मसाज कीजिए। एटलीस्ट आप 3 से 4 मिनट तक बॉडी पर मसाज करें और उसके बाद इस पैक को अप्लाई करके आपने तब तक इसे छोड़ना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद मैंने अच्छी तरह से हैंड्स को रब करते हुए वॉश किया एंड देन आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज्यादा लाइट और फेयर हो चुकी है। फर्स्ट टाइम के बाद ही इसका काफी अच्छा रिजल्ट्स मुझे मिला। और अगर आप इसे वीक में 2 से 3 बार यूज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी से सारी टैनिंग साफ हो जाएगी और बॉडी का कलर पहले से ज्यादा लाइटन और ब्राइटन होगा। ये एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आसान रेमेडी है, इसे आप आसान तरीके से घर पर जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप गर्ल्स, मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।